नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं EEPS सर्विस के बारे में, जिसके माध्यम से जो है आप जो है थंब लगाकर अपना आधार कार्ड नंबर देके अपने बैंक अकाउंट से जो है पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, EEPS सर्विस, जो कि इसका पूरा अगर हम फुल फॉर्म जानना चाहें तो यह होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम मतलब सर्विस है, यह जो है आपको अपने बैंक खाते में एक्टिवेट करानी पड़ती है। इसके लिए जो है दोस्तों, आपको आपके बैंक शाखा में जाना होगा और उन्हें बताना होगा कि हमें जो है अपने खाते में EEPS सर्विस इनेबल्ड करानी है। मतलब यदि आप अपने आधार कार्ड को अपने खाते में लिंक करवा देंगे तो दोस्तों जो EEPS सर्विस जो है आपके खाते में इनेबल्ड हो जाएगा। और इसके माध्यम से क्या होगा, आप कहीं पे भी हैं, मान लो आपके पास आपका ATM कार्ड नहीं है, आप अपने शहर से दूर हैं, ऐसी स्थिति में भी जो है आप अपने आधार नंबर के माध्यम से और अपना थंब लगाकर जो है कहीं पर भी ऑनलाइन साइबर कैफे से अपना खाते से पेमेंट निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों EEPS सर्विस एक्टिवेट करवाने के लिए आपको जो है आपके बैंक शाखा में जाना होगा। वहाँ पे जो है आपको अपना आधार कार्ड लेके साथ में जाना होगा। वहाँ पे जो है आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे भर के आपको जमा कर देना है। इसी फॉर्म को जमा करने के 24 घंटे बाद जो है आपके खाते में आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा और उसके बाद जो है आपके खाते में EEPS सर्विस मतलब कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आपके खाते में चालू हो जाएगा। आधार कार्ड लिंक होने के 24 घंटे बाद जो है आप किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफे में जाके इसका पता कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने बैंक में मौजूद बैलेंस का भी पता कर सकते हैं कि आपके खाते में कितना पैसा है, और आप चाहें तो अपने खाते से भी पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा, यदि हम एक दिन में पैसा निकालना चाहें तो थंब लगा के जो है हम कितना पैसा अपने आधार कार्ड से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है एक दिन में 10,000 रुपये तक की पेमेंट जो है अपने थंब के माध्यम से निकाल सकते हैं। इस सर्विस का उपयोग जो है अधिकतर ग्रामीण एरियो में देखने में मिलता है, क्योंकि उनके पास जो है ना ही आधार, ना ही बैंक जाने का उन्हें टाइम रहता है और ना ही उनके पास ATM कार्ड होता है। यदि ATM कार्ड होता भी है तो ऐसी स्थिति में जो है ग्रामीण लोगों से ATM कार्ड चलाते नहीं आता है, इसके लिए जो है उन्हें बैंक ही जाना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, ग्रामीण इलाके में बैंक जो है बहुत दूर एरिया में स्थित होते हैं, जिसमें उन्हें आने जाने में खर्चा भी अधिक लगता है और टाइम की भी बर्बादी होती है। तो दोस्तों इस समस्या से बचने के लिए जो है आपको अपने खाते में EEPS सर्विस इनेबल्ड करवा लेनी है। जैसे ये सर्विस इनेबल्ड हो जाएगी, आप जो है थंब लगा के अपने बैंक अकाउंट से भी अपना पैसा निकाल सकते हैं बिना अकाउंट नंबर और बिना ATM कार्ड के। जिन लोगों को आधार कार्ड से पैसा निकल जाता है इसकी जानकारी है, वह जो है किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफे में चले जाते हैं और वहां जाके अपना थंब लगा के अपना आधार नंबर दे के जो है पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है, उनके खाते से पैसा नहीं निकलता है। तो दोस्तों यदि आपके खाते में आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो किसी भी स्थिति में जो है आपके थंब लगा के जो है आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपके टाइम की, समय की बचत होती है। आप अपने नज़दीकी किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफे में, CSC सेंटर में जाके या फिर MP ऑनलाइन में जाके अपना थंब लगा के पैसा निकलवा सकते हैं। यदि आपके खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उसे जल्द से जल्द करवा लें और बैंक वाले को बता दें कि हम जो है अपने खाते को खाते में आधार इसलिए लिंक करवाना चाह रहे हैं क्योंकि हम जो है थंब लगा के अपना पेमेंट निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पैसा निकालना बहुत ही सहज हो जाएगा और टाइम की भी बचत होगी और आपको बैंक जाना भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यही रही एक जानकारी, क्या होता है EEPS सिस्टम और जो है यह कैसे हमारे खाते में इनेबल हो सकता है, इसके लिए हमें कहां जाना होगा। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचितों में शेयर करें, मित्रों में शेयर करें, ताकि भविष्य आवश्यक जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और आपने अभी तक आपके ही अपने चैनल बिग थिंक बड़ी सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।